हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात कही है कि सर, विड्रॉ के टाइम पे हमें काफी सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। मेजरली दो से तीन ऐसे रीजंस हैं जो कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स फेस करते हैं। ये सारी चीजें कहां से निकल के आती है आपको पता है, टेलीग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा और एफबी पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को शॉर्टलिस्ट किया है, उसी के ऊपर ये वीडियो है। लास्ट तक देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ऑलिन ट्रेड से विड्रॉ प्रोसेस करना चाहते हैं इन फ्यूचर, या किया है, प्रॉब्लम फेस की है। तो मेजरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे आती है बैंक्स को लेके। लोग कहते हैं कि हमारा जो विड्रॉ है वो काफी डिले हो गया है। 15 दिन पहले मैंने विड्रॉ रिक्वेस्ट डाली थी, अभी तक विड्रॉ प्रोसेस नहीं हुआ है। ऑल इन ट्रेड की तरफ से हो गया है, लेकिन बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है, बैंक की तरफ से डिले है। जब बैंक को कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे बोलते हैं कि भाई हमारे पास कोई विड्रॉ जो है रिसीव नहीं हुआ है। अगर हम कांटेक्ट करते हैं ऑल इन ट्रेड से तो वो आपको एक पर्टिकुलरली नंबर देते हैं ट्रांजेक्शन का, वो बोल देते हैं कि हमारी तरफ से जो पेमेंट है वो दे दी गई है बैंक को, आपकी बैंक की तरफ से डिले है। तो यार बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, झमेला क्या है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आप बैंक चूज करते हो विड्रॉ के लिए, तो सबसे पहले ये चीज देखनी जरूरी है कि वो जो बैंक है इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, आपका जो अकाउंट है उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का जो ऑप्शन है वो अनेबल है या नहीं अनेबल है। बैंक के पास अपना स्विफ्ट कोड है या नहीं, जो करेंसी एक्सचेंज कोड होता है, यानी बैंक का मतलब आपका जो ब्रांच है उसके पास ये चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो ये तीनों चीजें कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप एक बैंक अकाउंट खोलते हो, ओपन करते हो। तो और आपका जो पर्पस होता है वो ट्रेडिंग होता है, तो आपको ये चीज क्लियर पहले कर लेनी चाहिए आपके ब्रांच मैनेजर से, आपके अकाउंट मैनेजर से, कि मेरा जो अकाउंट है उसमें ऐसी पेमेंट्स आने वाली है, ऐसे प्लेटफॉर्म से आने वाली है, क्या बैंक को इससे कोई इश्यू है, क्या मेरी पेमेंट में कोई डिले होगा। ये सारी चीजें अगर आप पहले से क्लियर कर लेते हो, मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप मेरी बात करते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने ये किया था, मैं जिन बैंक के साथ डील करता हूं मोस्टली उनके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम आज तक फेस करने को नहीं मिली है, टाइम टू टाइम विड्रॉ मिल जाता है। ये चीज आपको पहले क्लियर करना जरूरी होता है। देखो, हमेशा से मैं कहता आया हूं हमारे चैनल्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि आपके साथ अच्छी चीजें जरूर होंगी, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। हमेशा से बुरे से बुरा आपके साथ क्या हो सकता है उसके लिए तैयार रहो। अच्छा तो होगा यार, वो तो देख ही लेंगे ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। बात आती है कि भाई कौन से बैंक सेलेक्ट करे, कौन से बैंक चूज करे। यार देखो, मैं किसी बैंक को बुरा नहीं बताऊंगा, मैं किसी बैंक को अच्छा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बोलना इस स्टेज पे सही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा, तो मोस्टली जो बैंक आप चूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वैलिड होना चाहिए आपके अकाउंट में भी, आपके बैंक के पास भी, फिर आपको डिलेज नहीं होंगे। डिलेज होने का एक और कारण होता है, जब आप विड्रॉ प्रोसेस करते हो तो कौन सी डेट को आप विड्रॉ प्रोसेस कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हो सकता है उस दिन कोई बैंक हॉलीडे हो सकता है उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे हो, तो ऐसे दिन आप विड्रॉ को प्रोसेस मत करो, क्योंकि वो क्यू में चला जाता है। अगर क्यू में गया तो फिर उसको टाइम लगेगा ही लगेगा। और फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप डील करते हो, हम ट्रेडिंग करते हैं, यहां पे जब हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस होती है विड्रॉ से रिगार्डिंग, हम कॉन्टेक्ट करते हैं इनके सपोर्ट पे, वहां पे हमें बताया जाता है कि हमारे विड्रॉ को प्रोसेस होने में 1 से 30 दिन का समय लग सकता है मोस्टली। मतलब वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसीडर करके चलते हैं। 30 दिन हालांकि लगते नहीं है, बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पे 30 दिन लगते, लेकिन वो लोग भी ऐसा अपनी तरफ से अपनी सेफ साइड से चलते हैं हमेशा। तो हम क्या ऐसा करें कि हमारा विड्रॉ 1-2 दिन 3 दिन में आ जाए। तो देखो, यहां पे ना सब्जेक्टिव मैटर होता है। जैसे आपको पता है, अगर हम किसी के लुक्स पे जाते हैं, किसी को कोई हीरो पसंद है, किसी को कोई हीरोइन पसंद है, यानी कि लुक्स जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। यहां पे आप कौन सा बैंक चूज करते हो इस पे काफी चीजें डिपेंड होती है। आपका अकाउंट सेविंग है, जीरो अकाउंट है, इस पे भी काफी चीजें मैटर करती है, करंट अकाउंट है, या ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर करते हो, यानी कि यूपीआई मेथड्स को यूज करते हो, और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, तो ये बहुत मैटर करता है। यूपीआई से एक और प्रॉब्लम यहां पे मुझे याद आई जो कंसीडर करनी जरूरी है इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो यूपीआई से डिपॉजिट करते हैं, यूपीआई एक मेथड है, और यहां पे विड्रॉ के लिए भी यूपीआई को ही प्रोसेस करते हैं। तो यहां पे लोग क्या गलती करते हैं, जब आप यूपीआई से विड्रॉ प्रोसेस करते हो तो वहां पे एक वीपीए का सेक्शन आता है, एक बॉक्स आता है जहां पे आपको अपनी वीपीए आईडी डालनी होती है, यानी वर्चुअल आईडी जो रहती है आपकी। तो यहां पे लोग क्या करते हैं ना,
यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, कुछ कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे डालू क्या वीपीए, कोई गलत डाल देते हैं आईडीज। तो यहाँ पे क्या करना होता है ना, यहाँ पे आपका जो यूपीआई आईडी है उसको प्रोसेस करना होता है, यानी वो डालना होता है उस फिल इन द ब्लैंक्स में, वो जो बॉक्स रहता है उसमें आपको आपकी यूपीआई आईडी डालनी पड़ती है जहां पे आपको वो विड्रॉ चाहिए। मोस्टली एक गलती ये भी करते हैं लोग, जिस आईडी से आपने विड्रॉ लिया है उसी आईडी से डिपॉजिट होना भी जरूरी है, तभी विड्रॉ जल्दी प्रोसेस होगा और होगा ही। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं, मान लीजिए आपने ए कोई यूपीआई आईडी है उसे डिपॉजिट किया, विड्रॉ आपको चाहिए बी यूपीआई आईडी में, तो उसमें डिले होगा ही ऑफकोर्स, और डिले भी होगा और पॉसिबल मतलब कई बार ऐसा होता है आपको विड्रॉ मिले भी ना, कुछ चीजों की वजह से अटक भी जाता है, क्योंकि जहां से आपका डिपॉजिट आता है वहीं पर आपको रिटर्न फॉर्म में विड्रॉ मिलता है। ठीक है, ये चीज जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको प्रॉफिट जो मिलता है ना वो रिटर्न फॉर्म में आता है। अगर आप देखेंगे आपके पास, अगर आपने कभी ऑलिमिटेड से विड्रॉ लिया होगा तो आपके पास जो मैसेज आता है आपके फोन पे वो रिटर्न आता है, और अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में जाके देखोगे ना वहां पे भी रिटर्न आता है। ऐसा समझ लो कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए हैं और मैं आपको 100 रुपए वापस कर रहा हूं, तो यहां पे स्टेटमेंट में मैं रिटर्न लिखूंगा कि मैंने भाई वापिस कर दिया आपको, आपसे उधार लिए थे मैंने आपको वापिस कर दिए। तो यहां पे आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि भाई अगर मैं प्रॉफिट कर लेता हूं तो मुझे वो विड्रॉ कैसे मिलेगा, तो प्रॉफिट विड्रॉ के लिए आपको ई वॉलेट्स पे साइन अप करना जरूरी है। ई वॉलेट्स का मतलब क्या है, स्क्रिल, नेटलर और परफेक्ट मनी और भी बहुत सारे, ग्लोब पे अगर इंडिया की बात करते हैं तो स्क्रीन और नेटवर्क की बात करता हूं, ग्लोबल पेमेंट मेथड्स हैं, बड़े पेमेंट मेथड्स हैं। यहां पे आप कैसे गलतियां करने से बच सकते हैं, सबसे पहले इनको वेरीफाई करना जरूरी है। मान के चलो आपने $100 का डिपॉजिट किया है, आपका प्रॉफिट हो जाता है $500, आपको $400 का विड्रॉ चाहिए। प्रॉफिट का विड्रॉ आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, अगर $100 डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट में सिर्फ $100 का ही विड्रॉ ले सकते हो, वो आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपका बैंक एक्सेप्ट करता है पेमेंट को, तो वहां पे इशू खत्म हो जाता है। पहला प्रॉब्लम आता है बैंक का, वो आपने सॉल्व कर लिया। सेकंड प्रॉब्लम आता है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने पेमेंट मेथड को। मान के चलिए आपने नेटलर पे या स्क्रिल पे अकाउंट बनाया है तो वहां पे अपना एड्रेस को वेरीफाई करो सबसे पहले, अपने पेमेंट की जो लिमिट है वो इंक्रीज करो। जैसे ही आप अपना जो एड्रेस वेरीफाई करोगे ना तो वहां पे आपकी पेमेंट इंक्रीज अपने आप हो जाएगी, लिमिट जो रहती है। यहां से एक और गलती निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है, जब आप पेमेंट्स मेथड को वेरीफाई करते हो, ई वॉलेट्स को वेरीफाई करते हो, तो एक बार अगर आपने वहां पे आइडेंटिटी गलत अपलोड कर दी तो आपको परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। सपोज करो कि आपको एड्रेस प्रूफ डालना है अपना आधार कार्ड का, वहां पे आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या फिर पिक्चर गलत अपलोड कर दिया या कुछ ऐसा हो गया, पिक्चर में चारों कॉर्नर विजिबल होने जरूरी है। ठीक है, तो आप जब उनको वेरीफाई करोगे ना पेमेंट मेथड को यानी ई वॉलेट्स को, तो वेरीफाई के टाइम पे ये चीजें तो आपको मैंने बताया मैंडेटरी है, वेरीफाई होने के ड्यूरेशन में अगर एक बार ब्लॉकेज आ जाता है यानी एक मेल आ जाता है आपको स्क्रीन या नेटलर से कि आपके अकाउंट को टेम्परेरी या परमानेंट ब्लॉक कर दिया गया है ड्यू टू इनवैलिड इंफॉर्मेशन, तो उस कंडीशन में क्या करना है, यानी एक बार अगर आपका ब्लॉक हो गया अकाउंट तो आपको दूसरे पे ही स्विच करना पड़ेगा। स्क्रीन पे आप सेम आईडी से दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये। स्क्रीन पे अगर आपने गलती करी तो आपको नेटलर पे स्विच करना पड़ेगा, परफेक्ट मनी पे, ग्लोबपे पे। तो प्रॉफिट विड्रॉवल के लिए आपको किसी और मेथड पे जाना ही पड़ेगा जो ई वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, जाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी कंडीशंस हैं। ये गलती भी लोग कर रहे हैं ये भी बता दिया है। एक और जो लोगों के मन में मिथ है वो चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो लोग विड्रॉ लेने से पहले बोनस ले लेते हैं। सपोज करो कि मैं ऑलिमिटेड में $100 डिपॉजिट कर रहा हूं, मेरा कोड है AVIS30, तो मुझे $30 का 30% का बोनस मिलेगा, यानी 100 में मेरा जो डिपॉजिट हो जाता है वो हो जाता है $130 का, $130 का जो टोटल मेरा अमाउंट हो जाता है उसमें से $30 जो रहेगा वो एज अ बोनस क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में, उसको मैं विड्रॉ नहीं ले सकता, लेकिन उससे जो अर्निंग होगी उसको मैं विड्रॉ ले सकता हूं। अब उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, पहले बात तो ये है आपके अकाउंट में जो $100 है वो ही विड्रॉ होंगे पहले। ठीक है, अगर आप उनको लॉस कर देते हो तो आपका जो $30 का अमाउंट है वो एज अ बैकअप आप यूज कर सकते हो, मतलब उससे आपको ट्रेड लेनी है, अगर आप उससे प्रॉफिट गेन करते हो तो आप उसे अनकंडीशनली विड्रॉ ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है उस पर, कोई हिडन कंडीशंस नहीं है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। सिंपल सी बात यह है, ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पे कोई भी इश्यू आपको नहीं आता है अगर आप ऑलिम्प से बोनस लेते हो। अदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पे इश्यूज आते भी हैं और जिनके मैं आपको प्रोवाइड भी नहीं करता हूं बोनस प्रोमो कोड। ठीक है, जो जहां पे इश्यू नहीं आते हैं वही मैं आपको बताता हूं चीजें, क्योंकि सबसे पहले चीज जरूरी होती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आने से पहले कि हम हमारी तरफ से सेफ हो जाएं कि हमें विड्रॉ मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा से ही आपको सजेस्ट करता हूं सबसे पहले छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करो, एक विड्रॉ प्रोसेस करके देखो, अगर सारी चीजें सही होती है, एक्यूरेट होती है,
प्रॉफिट को ही विड्रॉ करो। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपने $4 $10 इन्वेस्ट किए, $10 के बाद अगर आपको $20 का प्रॉफिट हो जाता है, 20 के 20 को आप विड्रॉ करो ई वॉलेट में, यानी कि नेटलर और स्क्रीन में। अगर आपको प्रोसेस हो जाती है रिक्वेस्ट, उसके बाद आप कितना भी डिपॉजिट करो, मतलब आप फॉर श्योर हो जाओगे अपनी साइड से कि आपको विड्रॉ मिलेगा ही मिलेगा। अब लोग मुझे कहेंगे कि भाई अगर मैं विड्रॉ लेता हूं ई वॉलेट से तो वहां पे मुझे कुछ ट्रांजेक्शन फीस हैंडलिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यार ये मैंडेटरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ई वॉलेट्स का यूज करोगे तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट विड्रॉ करोगे तो इन लोगों को चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इनके कुछ फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स परसेंटेज है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप इनको यूज करना चाहते हो। स्क्रिल और नेटलर यूज करना बहुत ही आसान है, डायरेक्टली बैंक में विड्रॉ देता है। अगर आप ओलिम से स्क्रिल यूज करोगे, ओलिम से स्क्रिल में विड्रॉ लोगे, स्क्रिल से बैंक अकाउंट ट्रांसफर करोगे तो हो जाता है। बस वहां भी यही कंडीशन आती है कि आपका बैंक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को वैलिड करना चाहिए और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने चाहिए इन प्लेटफॉर्म से विड्रॉ में। ठीक है, यानी कि वो आपको पहले क्लियर करना जरूरी है। घबराने की बात नहीं, आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो जाके कि भाई मैं ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, मेरा विड्रॉ आने वाला है, क्या बैंक को इससे कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बताओ उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप अपनी साइड से सेफ हो जाओगे। मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आती है, जो चीजें रहती है वो यहां रहती है, आपको क्लियर करनी जरूरी है, आपको अपनी तरफ से सेफ होना है। यार जब आप फ्रंट फुट पे खेलते हो ना, रिस्क ज्यादा रहती है क्रिकेट में। जब आप बैक फुट पे खेलते हो ना, अपने क्रीज में रहते हो, तो ठीक है बच जाओगे भाई। अगर अगर आपकी बॉल मिस भी हो जाती है तो आपका विकेट बच जाएगा, किसी से स्टंप पिक नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट ब्रीफली आपको बताता हूं कि अगर आप न्यू है ट्रेडिंग के अंदर और अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स आपको ना आए विड्रॉ के अंदर, प्रॉब्लम्स मतलब कि डिले ना हो विड्रॉ के अंदर, जल्दी विड्रॉ आपको मिले और भी चीजें, तो उसके लिए क्या करना है ये आपको बता देता हूं। मतलब प्रोसेस क्या है स्टार्टिंग से। आप बिल्कुल न्यू यूजर हो, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपने अभी अभी ओलिम ट्रेड इंस्टॉल किया है, रजिस्टर किया है, आप पहला डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, सेफ्टी क्या रखनी है आपको अपनी तरफ से। पहली चीज, डिपॉजिट करने से पहले जो बैंक आप चूज कर रहे हो डिपॉजिट के लिए, वो यार अगर प्राइवेट हो तो बेटर होगा। मैं मतलब ऐसा कोई किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि क्या बेटर है क्या नहीं, लेकिन मेरे सजेशन से, आई एम गिविंग यू सजेशन, कि प्राइवेट हो तो स्लाइटली बेटर होगा। दूसरा, उसमें आपका जो बैंक है उससे पहले बात करो कि भाई मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, मेरे को विड्रॉ भी लेना है, तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो बैंक अगर एग्री होता है तो आप जाओ उसके साथ। देयर आर लॉट्स ऑफ बैंक्स जो मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, एग्री हो जाते। अगर आपने विड्रॉ का ये जो मेथड है ई वॉलेट, इसको वेरीफाई भी कर लिया, आपके पास दो स्टेप्स क्लियर हो गए। पहला अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद बैंक सही से चूज कर लिया, आपने अपना विड्रॉ का जो मेथड है यानी ई वॉलेट है उसको वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन डिपॉजिट छोटा करो, छोटा डिपॉजिट आपने किया, स्मॉल डिपॉजिट, उसके बाद आपने उसका प्रॉफिट गेन किया उस पर। सपोज करो आपने $10 डाल के $15 कर लिया या $12-13 भी कर लिया, तो उसको पूरे अमाउंट को आपको विड्रॉ लेना है अपने ई वॉलेट में। ई वॉलेट में विड्रॉ लेके उसको बैंक ट्रांजेक्शन प्रोसेस करो, बैंक में उसको अमाउंट को लो। एक बार जब आपने बैंक में उसको प्रोसेस कर लिया, सारी चीजें सक्सेसफुली हो गई, ठीक है, तो हम हमारी तरफ से श्योर हो जाते हैं कि हम बड़ा डिपॉजिट कर सकते हैं। कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को बिना जाने बड़ा डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, या फिर हमें किसी चीज के बारे में अगर पता नहीं है तो हमें उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पहले हमें इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है किसी भी चीज के बारे में। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क जरूर रहती है, ये चीज आप हमेशा से याद रखो, हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क इन्वॉल्व होती है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लॉस भी कर सकते हो, रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन प्रॉफिट करोगे तो विड्रॉ कैसे लेंगे ये जरूरी है। हमारी तरफ से हम सेफ हो जाते हैं। अब एक चीज और, जब आप विड्रॉ प्रोसेस करोगे तो डेट्स बहुत मैटर करती है। कोशिश करो कि सैटरडे संडे को विड्रॉ ना प्रोसेस करो, कोशिश करो कि बैंक हॉलीडेज पे प्रोसेस मत करो अपने विड्रॉ को, कोशिश करो कि नेशनल हॉलीडे पे आप विड्रॉ को प्रोसेस मत करो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ओलिम ट्रेड तो आपके अकाउंट में विड्रॉ प्रोसेस कर देता है 5 से 10 मिनट में बैंक को, लेकिन बैंक डिले कर देता है उस चीज को। और कई बार ऐसा होता है ओलिम ट्रेड भी डिले कर देता है, अगर कोई इंटरनेशनल हॉलीडे हुआ या कुछ ऐसा दिन हुआ जिस दिन ये सारी चीजें, मतलब जैसे सैटरडे संडे हो गया जहां पर वॉल्यूम ट्रेड के पास बहुत कम स्टाफ रहता है प्रोसेसिंग के लिए। हाँ, हालांकि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन पे चलती हैं, लेकिन फिर भी एक कॉन्फर्मेशन के लिए बड़े अमाउंट पे या कुछ भी इनका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, उसकी वजह से आपका जो पेमेंट है वो डिले होता है, तो वो अब टाइम पे आएगा ये। और उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है विड्रॉ से रिगार्डिंग, तो आप ऑलिम से कॉन्टेक्ट करो,
उनका 24/7 अवेलेबल है यार सपोर्ट। आप डायरेक्टली बोलो कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आपको बैंक की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है तो आप बैंक से कॉन्टेक्ट करो। बेसिकली बैंक की तरफ से तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, जब आप पहले ही कंसल्ट कर लोगे बैंक से तो वो चीज तो होने नहीं वाली है। बैंक की तरफ से नहीं होगी तो ऑलिम की तरफ से होगी, तो ऑलिम से आप बात करोगे तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, अगर आपकी प्रॉब्लम ऑलिम की तरफ से है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की आपकी प्रॉब्लम। एंड आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं पूरे दिन में 6 से 7 घंटे ऑनलाइन रहता हूं। आप मुझसे बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप मुझसे बात कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। और अगर आप फर्स्ट टाइम हो ऑलिम ट्रेड पे और चाहते हो अकाउंट क्रिएट करना या ट्रेडिंग करना, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हो, जैसा कि गिव अवे में या थोड़ा फास्ट विड्रॉल प्रोसेस, या आप चाहते हो अगर आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मैं उसको इजिली ट्रैक कर पाऊं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर होना जरूरी है। ये चीजें ध्यान रख लेना, बाकी इसके बाद आपको विड्रॉ में और कोई इश्यूज नहीं आने वाले। मेजरली आते हैं तो मोस्टली यही 2-3 रीजन रहते हैं। परफेक्ट मनी हो गया, अगर आप ग्लोब पे भी यूज करते हैं तो वहां भी यही कॉमन इश्यूज रहते हैं। बैंक वाले, बैंक कौन सा यूज किया है, रजिस्ट्रेशन में कोई गलती की है या नहीं की। हम क्या करते हैं ना भाई, पहले डिपॉजिट करेंगे उसके बाद सोचेंगे कि विड्रॉ क्यों नहीं आ रहा। पहले डिपॉजिट करने से पहले ये चीज सोचो ना कि आपको विड्रॉ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। और इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, इतना मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट नाइट पढ़ के भी एग्जाम पास कर लेते हैं, बीटेक का, एमटेक का, और कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ के पास करते हैं, तो यार फर्क तो पड़ता है ना। आप लास्ट दिन सोचोगे कि डिपॉजिट कर दिया, मुझे विड्रॉ चाहिए प्रॉफिट का, वो मुश्किल होगा। स्टार्टिंग से लेके चलोगे ना, आप एक सिस्टमेटिक मैनर बना रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बात ये, और बाकी सारी चीजें जो रही विड्रॉ से रिगार्डिंग, आपको बहुत बड़े अमाउंट में, बल्क अमाउंट में आप विड्रॉ लेते हो बिटकॉइन से या फिर किसी भी और मेथड से, बिटकॉइन का भी अभी काफी चलन आ रहा है इंडियन मार्केट में। एंड अगर मैं बात करता हूं बहुत सारे मेथड से, अगर आप बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स का विड्रॉ ले रहे हो, और बात आती है कि भाई मैं कैसे शो करूं इसको, क्या करूं, वो आपके सीए को बताओ यार, वो किसी भी तरीके से मैनेज करेगा इसे, और उस पर आप टैक्स पे कर सकते हो ना। क्योंकि देखो यहां पे ना, मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर अमाउंट को, क्योंकि आपकी इनकम कितनी है, आपका बैंक अकाउंट में लिमिट क्या है, आपके जो सीए है वो कैसे उस अमाउंट को शो करता है, उस पर कैसे टैक्स देता है, वो उसकी कंसर्न है, ठीक है। पैसिव इनकम जनरेट करने तक ही इसको सीमित रखो। मतलब अगर आप सोचते हो $10 डिपॉजिट करके मैं $1 करोड़ कर लूंगा, ₹1 करोड़ कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूं वो पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं $100 डाल के दिन का $1 अर्न कर लूंगा या महीने के $10 बना लूंगा एज अ रिटर्न सोर्स, एज अ एफडी, अगर हम एफडी कराते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे तो मुझे कितना रिटर्न मिलता है, अगर हम रिटर्न के बारे में सोचेंगे ना, तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। और अगर आप सोचते हो लखपति करोड़पति बनने के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, आप सारा पैसा गवा दोगे यहां पे, सीरियसली बता रहा हूं। ये प्लेटफॉर्म से आप सिर्फ रिटर्न की एक्सेप्टेशंस रखो, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट के साथ जाते हो तो हमेशा मेरे 3 रूल हमेशा याद रखो, आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पे 1% डेली के हिसाब से प्रॉफिट गेन करना है, इससे ज्यादा जाओगे तो रिस्क होगा। आपको हमेशा मार्टिंगल स्टेप्स आपको यूज करने हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, अगर छोटी है तो कभी मत करना। मार्टिंगल स्टेप्स क्या है आपको समझ आ जाएगा, नहीं आया तो आप वीडियोस देख सकते हैं, मेरी प्रीवियस आई बटन में भी आपको शायद लिंक दे दूंगा मैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि आप एक दिन में कितने अमाउंट पे रिस्क ले सकते हो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे, यार ये कोई नहीं कर सकता आपके लिए, ये आपको खुद सोचना है। अगर आप लालच में जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। और अगर आप सोचोगे कि आपको यहां से पैसिव इनकम जनरेट करनी है, थोड़ी बहुत ऐसी इनकम जनरेट करनी है जो कि आप यूज कर सको इन फ्यूचर, तो आप कर पाओगे। एक चीज और आपको बता देता हूं, ट्रेडिंग में कभी भी किसी और से पैसे लेके इन्वेस्ट मत करना। ट्रेडिंग में जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो ऐसे पैसे की रहनी चाहिए कि जो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी से लोन लेते हो, इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हो और सोचते हो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा, तो बात साइकोलॉजी पे आ जाती है और वहां पे आप सारा पैसा गवा देते हो। तो लोन कभी किसी से लेके यहां पे इन्वेस्ट नहीं करना, ऐसा पैसा इन्वेस्ट करो जो कि गया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गलतियां ऐसी कर देते हैं जिससे अपने पैसे गवा देते हैं। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये ध्यान में नहीं रखते हैं। और एक और चीज यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो आप, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूं। और ट्रेडिंग को ना पहले सीखो फिर यहां पे इन्वेस्ट करो, विदाउट लर्निंग आप यहां पे इन्वेस्ट मत करो। जब आप कोई कंपनी में स्टार्टअप शुरू करते हो,
अगर आप की कोई कंपनी आपको शुरू करनी है, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको कोई किराने की दुकान भी खोलनी है तो आपके पास एक रिस्क रहता है, वो ये रहता है कि आपकी जो शॉप है, आपका जो मॉल है, आपने जो शॉप ओपन की है, दुकान ओपन की है, वो चलेगी या नहीं चलेगी, कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो आपको रिस्क हर एक फील्ड में लेनी पड़ती है, यहां भी रिस्क है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो का जो प्लेटफॉर्म है ये, लेकिन यहां पर अगर आप सही से चलते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क थोड़ी कम हो जाती है और आप अपने मैनेज कर सकते हो रिस्क को, पैसे कमा पाओगे। तीन रूल मैंने जो आपको बताए हमेशा याद रखना, और भाई अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और एक्साइटिंग कंटेंट्स के लिए और अच्छे कंटेंट्स आपको चाहिए तो राय जरूर देना कमेंट्स बॉक्स में, आपकी जो राय है फीडबैक है वो बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। एंड सब्सक्राइब यार बता देता हूं नहीं किया है तो कर दो, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती है मार्केट से रिगार्डिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end.